आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पहले फोटो, अब ठाकरे का नाम चुरा रही बीजेपी। भाई संग नजदीकी पर बरसे उद्धव, बोले महाराष्ट्र में पीएम मोदी की लहर नहीं। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए एक ठाकरे को चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे की ये टिप्पणी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में हुई एक बैठक के मद्देनजर आई है। उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि यदि भाजपा उनके चचेरे भाई को अपने साथ ले लेती है तो इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। राज ठाकरे की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ऐसी चर्चा है कि भाजपा महाराष्ट्र में अपने गठबंधन को बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे की MNS के साथ गठबंधन करना चाहती है। उद्धव ने कहा कि भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि उसे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। लोग यहां बाल ठाकरे के नाम पर वोट करते हैं। इस एहसास ने भाजपा को बाहर से नेताओं को चुराने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने भाजपा पर बाल ठाकरे की विरासत को हड़पने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने मराठवाड़ा क्षेत्र में नांदेड़ और हिंगोली जिलों के अपने 2 दिवसीय दौरे के समापन पर कहा, पहले उन्होंने बाल ठाकरे की तस्वीर चुराई लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज वे एक और ठाकरे को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए लो मैं और मेरे लोग काफी हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्षी महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि ईसाइयों और मुसलमानों को भी उनकी हिंदुत्व की शैली से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम भाजपा के साथ थे तब शिवसेना अविभाजित की छवि खराब हो रही थी, लेकिन जब से हमने उनसे संबंध तोड़ा है, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के सदस्य भी कह रहे हैं कि उन्हें हमारे हिंदुत्व की विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मंगलवार को आरोप लगाया कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS और बीजेपी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे महाविकास आघाड़ी की सफलता से डर गए हैं। दिल्ली में राज ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक के बारे में पूछे जाने पर राउत ने कहा कि अगर MNS भाजपा नीत महायुति में शामिल होती है तो इसके राज्य की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम MVA की सफलता के डर से हो रहे हैं। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और वे राज्य के खिलाफ रुख रखने वाले किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।